नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DHFL स्टॉक को लेके। इसमें जो है बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले भी या फिर एक दो दिन पहले भी हम लोगों ने आपके साथ जो अपडेट शेयर किया था DHFL को लेके, जो भी DHFL के बिडर्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहा है, और जो भी ऑफर प्राइस हुआ था उसमें भी जो चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे ऐसे ही कुछ अपडेट्स आया है, हम लोग कोशिश करेंगे आपके साथ वो शेयर करने के लिए। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग से, तो उसका लिंक जो है हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है। अगर आप हमारे ऐसा अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक साल का एम से फ्री मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। DHFL में दोस्तों देखेंगे तो हम लोगों को पता है कि स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा था, उसमें बाद में बहुत सारे इश्यूज हुए हैं और स्टॉक के प्राइस में गिरावट आया है, तो वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक में इंटरेस्ट रखते DHFL तो आपको ऑलरेडी वो पता रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या अपडेट आया है और स्टॉक में क्या चल रहा है। अगर 6 महीने से देखते हैं तो 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 12.15 के आसपास चल रहा था। यहाँ पे एक स्टॉक में आपने देखने को मिला था, उसके बाद फिर से स्टॉक में गिरावट आया है, और यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग स्टॉक का प्राइस 12.25 तक फिर से पहुंच गया था। उसके बाद 12.25 से अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टॉक में तेजी देखने को मिला था, 17.50 तक स्टॉक पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे गिरावट आया है। तो यहाँ पे अगर अभी का देखते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन, 1 मंथ से देखते हैं तो 13.85 के आसपास स्टॉक चल रहा था, उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पे अपडेट देने के बाद फिर से स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट बनता हुआ दिखा है मजबूती के साथ। 5 डेज से देखते हैं तो 5 डेज में जो हम लोग को पता है बीच बीच में जो है DHFL स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है, तो लगभग 1 महीने से या फिर 5 डेज से जो है स्टॉक ने अच्छा खासा एक रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, और फिलहाल जो अपडेट्स आ रहा है उसके चलते आगे भी रिटर्न दे सकता है। और अभी का अगर एक दिन का हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो स्टॉक में जो है यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। एक दिन का अगर बात करते हैं हम लोग ओपन प्राइस, लो हाई प्राइस एंड लो प्राइस, स्टॉक ओपन हुआ था 18.45 में, हाई प्राइस दिया है 18.45 का एंड लो प्राइस दिया है 18.35 का। और एक दिन में अगर देखते हैं कितना रिटर्न देखने को मिल रहा है ये स्टॉक में, तो 4.83% का जो ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है एक दिन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है DHFL ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और अगर हम लोग DHFL में देखते हैं तो जैसे कि हम लोग को पता है कि DHFL एक ऐसा स्टॉक है हमेशा जो ये स्टॉक चर्चे में रहा है, हमेशा ये स्टॉक चर्चे में रहा है, बहुत सारे ये स्टॉक में अपडेट आता रहता है। अभी DHFL में जो मूवमेंट आ रहा है या फिर जो अपडेट्स आ रहा है वहां पे अगर बात करते हैं, जो अभी आप स्क्रीन पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मुंबई जो आप अपडेट आने देखते हुए मिल रहा है, लेंडर्स टू ट्रबल दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL आर लुकिंग एट रीपेमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द 55,000 FD होल्डर्स एज ए पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो लेंडर्स जो है अभी फिलहाल जो दीवान हाउसिंग के है वो लोग जो है फिलहाल अभी रीपेमेंट का जो स्ट्रेटेजी है जहां पे FD होल्डर्स को जो है 55,000 देना चाहिए उसको लेके अभी जो है यहां पे एक बात निकल के आया है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड लास्ट वीक, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज लुकिंग एट डिफरेंट सिनेरियोज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स ऑफ द फंड्स रिसीव फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर्स। तो लास्ट वीक को जो मीटिंग हुआ था COC का, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का, यहाँ पे जो लोग अलग से कुछ सिनेरियोज के बारे में सोच रहा है जहाँ पे नया जो अमाउंट आएगा, नया जो इन्वेस्टर्स रहेगा DHFL के बारे में उसको लेके, दिस इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द वाटरफॉल मैकेनिज्म और अंडर पेरिपेसो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म और सेटिंग असाइड सम अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्लेम्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये तो श्योर हो गया है कि DHFL को लेके कुछ इन्वेस्टर्स जो है ऑलरेडी जो है इंटरेस्ट दिखाया है, कुछ इन्वेस्टर जो है बहुत जल्दी चाहते हैं कि DHFL में जो है स्टेक अपना खरीद ले। अभी यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोगों को पता है अभी जो फिलहाल नाम सामने आ रहा है निकल के, उसमें से 4 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो लोग ज्यादा जो है हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं DHFL को लेके। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आगे का इन्फॉर्मेशन, द RBI अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ट्रबल्ड दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि DHFL के नाम से जाना है, हैज सॉट रिवाइज्ड ऑफर्स फॉर द 3rd टाइम्स विद इन द एग्जिस्टिंग एसेट कैटेगरीज दैट ओएक्ट्री, आदानी कैपिटल, पिराबल ग्रुप्स एंड SC लोए बीट फॉर अर्लियर। तो यहाँ पे जो है RBI से एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है दीवान हाउसिंग का, जो ये ऑफर चल रहा है रिवाइज जो हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने शेयर किया था इसके पहले भी, जो भी ऑफर दिया गया था अदानी से
जिसको खरीदने के लिए DHFL को उसको ऑफर को जो है फिर से रिवाइज किया गया। तो अभी जो है फिलहाल इसके बारे में कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जो है रेजोल्यूशन का वो कंप्लीट हो जाए ताकि इसमें और डिले ना हो। द मूव सजेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर विल नॉट एक्सेप्ट एन ऑब्वेट ऑफर दैट कैन ट्रिगर ए लीगल बैटल एंड डिले द रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो फिलहाल अभी ऐसा कोई भी प्रोसेस या फिर रेजोल्यूशन जो ऑफर रहेगा ऐसा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जहां पे आगे जाके डिले हो सकता है। तो यहां पे जल्द से जल्द ये आ रहा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से, ये भी ये लोग ट्राई कर रहा है कि जल्द से जल्द ये जो इश्यूज है या फिर DHFL के जो प्रक्रिया चल रहा है रेजोल्यूशन को लेकर उसको कंप्लीट कर दिया जाए जल्द से जल्द। तो यहाँ पे चलिए अभी आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगर तो द पिरामल ग्रुप रिवाइज इट्स ऑफर फॉर दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिटेल बुक ऑन ट्यूजडे। ओएक्ट्री कैपिटल व्हिच हैड लास्ट वीक रिवाइज इट्स ऑफर फॉर ऑल एसेट्स ऑफ DHFL टू ₹31,000 करोड़ डिड नॉट मेक एनी फर्दर रिविजन। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ओएक्ट्री ने जो है DHFL के जो एसेट्स है उसको लेके जो ऑफर किया है वो है 31,000 करोड़ का। उसके बाद इसमें कोई भी रिविजन या फिर कोई भी चेंजेस नहीं आया है। और फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो अदानी ग्रुप ने जो है ज्यादा यहाँ पे ऑफर किया है। विथ दिस अदानी ग्रुप रिमेन्स द हाइस्ट बिडर फॉर ऑल एसेट्स ऑफ DHFL विथ इस बिड्स ऑफ ₹31,250 करोड़। तो अदानी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ज्यादा अमाउंट जो है ऑफर किया गया है अदानी ग्रुप से जो कि 31,250 करोड़ का है। पिरामल्स रिवाइज्ड डिस्क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ पिरामल्स रिवाइज्ड बिड फॉर ओनली द रिटेल बुक। पिरामल जो है जो इन लोगों का ऑफर था उसको भी रिवाइज किया गया रिटेल बुक के लिए वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ गोइंग टू प्रेस। तो फिलहाल ये जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। इस ऑफर ऑफ ₹25,000 करोड़ सबमिटेड लास्ट वीक क्या जो ऑफर था या फिर जो अपडेट था रिटेल बुक को खरीदने के लिए तो उसमें जो है 25,000 करोड़ का जो है ऑफर दिया गया था। तो अभी यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है ऑफर किया अमाउंट वो है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप ने जो है अच्छा खासा एक ऑफर यहाँ पे जो है दिया है DHFL के लिए और आगे भी हो सकता है कि अदानी ग्रुप ही आगे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जल्द से जल्द कोशिश किया जा रहा है DHFL का जो भी इश्यूज चल रहे हैं अभी वो रिजोल्व करने के लिए। और DHFL के जो भी अभी जैसे कि चार जन लगभग जो है चार ऐसे इन्वेस्टर्स है या फिर जो है ग्रुप से इन्वेस्टर्स के जहां पे ये लोग जो है कंटिन्यूअसली अपने जो जो ऑफर्स था इन लोगों का वो भी रिवाइज कर रहा है। तो फिलहाल यहां पे सबसे आगे देखेंगे तो DHFL का है और पिरामल ने जो है वो भी अपना जो बिडिंग है उसमें भी रिवाइज लाया है। तो अभी आगे देखेंगे दोस्तों DHFL को लेके क्या होता है। बट अभी तक का जो अपडेट है बहुत ही जल्दी इसमें जो है DHFL को लेके जो भी रेजोल्यूशन है बहुत ही जल्दी आगे हम लोग को देखने को मिल सकता है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी अपडेट आया है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके शेयर करने के लिए DHFL के बारे में। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।